हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ऑल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम बेयर। बेयर से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं सबको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स का वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। जो भी भाई पीछे का वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं वो सारा का सारा वीडियोज आप देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। याद रहे एक चीज, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वोकैबुलरीज पूछा जाता है और उसमें वन वर्ड बच्चे इजीली याद कर लेते हैं, सिनोनिम्स भी इजीली याद कर लेते हैं, एंटोनिम्स भी कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग करेक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है फ्रेजल वर्ब्स। इसका दो कारण है, क्योंकि ये जल्दी सेंटेंसेज में यूज नहीं होता और एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो आपको सिलेक्शन दिलाकर जाता है, इसलिए फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चे खुद से नहीं कर पाते, फ्रेजल वर्ब्स थोड़ा सा ज्यादा नंबर में है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन हमारे काम की है, कौन हमारे काम की नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं अलग से सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ। बस इतना फ्रेजल वर्ब कर लेना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रिलेटेड टू बेयर, तो इससे आपको बाहर से एग्जाम में फ्रेजल वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर संभव होगा आपको अच्छा लगेगा, मेरा चैनल पे जितने भी वीडियोज अवेलेबल हैं अपलोड हैं वो अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। एक बात और, वीडियोज कब अपलोड किया जाता है, मैं कब लाइव आता हूँ, सारे प्रकार के जो जानकारी है इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर कोई भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेयर, बेयर एक क्या है, वर्ब है। सबसे पहले इसको हम पढ़ाते हैं भाई, वेयर, ये नाउन के रूप में भी यूज होता है। नाउन के रूप में जब यूज होगा ना, ये नाउन के रूप में यूज होगा तो इसका मतलब होता है एन एनिमल। क्या होता है, एन एनिमल, एक प्रकार का फियर्स जानवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भालू। क्या बोलते हैं, भालू। तो चलिए नाउन भी हो गया ना, ये क्या हो गया, नाउन भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, भालू हो गया, ठीक है, भालू हो गया। आगे देखो, ये जो हमारा है ना, एक होता है बियर, ये भार्व के रूप में जब यूज होगा मेरे भाई, ये किसके रूप में यूज होगा, भार्व के रूप में, तो इसका क्या मीनिंग होगा समझने की कोशिश कीजिए। जब ये वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसका एक मीनिंग तो होगा बर्दाश्त करना, क्या करना, बर्दाश्त करना, ठीक है, बर्दाश्त करना, या फिर बोल सकते हैं सहना, बर्दाश्त करना या क्या करना, सहना, या फिर ध्यान दीजिएगा इसको आप बोल सकते हैं उठाना, क्या करना, उठाना, या फिर बोल सकते हैं झेलना, क्या करना, झेलना, ठीक है। उठाना का मतलब क्या होता है, खर्च उठाना, आप ऐसे यूज बोल सकते हैं, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, खर्च उठाना। तो खर्च उठाना हो गया, सहना हो गया, बर्दाश्त करना हो गया, उठाना हो गया, का अंग्रेजी जो हम लोग वर्ब यूज करते हो क्या होता है, बेयर होता है। एक यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट हो जाता है डियर, ध्यान दीजिएगा, इसका एक मतलब और होता है, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है बच्चे आदि को जन्म देना, ठीक है। लिविंग थिंग के लिए हम यूज करेंगे टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ टू मतलब क्या होता है, जन्म देना, क्या करना, जन्म देना, ठीक है, जन्म देना। और इसका एक मीनिंग होता है मेरे भाई, उत्पन्न करना, क्या करना, उत्पन्न करना, है ना, उत्पन्न करना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, पॉल्यूटेड वाटर अगर पियोगे तो क्या करेगा, डिजीज प्रोड्यूस करेगा, डिजीज क्या करेगा, जनरेट करेगा, डिजीज क्या करेगा, बेयर करेगा। तो उत्पन्न करने के सेंस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बेयर यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बढ़िया से सुनो, कॉपी कलम लेकर बैठो और नोट डाउन करो, इससे एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा डियर, ये जो बेयर है, बेयर, इसका जो भीटू होता है ना, भीटू होता है वो हमारा क्या होता है, बोर, क्या होता है, बोर। लेकिन भीथड इसका दो होता है, एक भीथड होता है क्या, बोर्न, और एक भीथड हमारा होता है क्या, एबोर्न, बी ओ आर एन ई। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका भीटू तो एक ही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो एक ही है, लेकिन ए भी भीथड है और ए भी क्या है, भीथड है। तो अब बोलिएगा सर एक वर्ब का दो भीथड कैसे हो गया, हाँ, तो ए जो होता है जन्म देने के सेंस में यूज होता है, किसके सेंस में, जन्म देना के सेंस में होता है,
और इसका मतलब अन्य के सेंस में होता है, ठीक है। अगर आप कोई और भी मीनिंग निकाल रहे हैं बेयर का, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको भीतर यूज करना होगा तो आप बोर्न यूज करेंगे, बी ओ आर एन ई, ठीक है। और अगर जन्म देने के सेंस में आपको बियर का भीतर यूज करना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, बोर्न यूज करेंगे, आप लास्ट में ई यूज नहीं करेंगे। जैसे आप हमेशा बोलते होंगे, अपना जन्म को बताते होंगे किसी को बोलकर, आई वॉज बोर्न ऑन 21st of February 1998, ऐसे बोलते होंगे, तो आप वहां पे कौन सा बोर्न का यूज करते हैं, बी ओ आर एन ई का यूज करते हैं। लेकिन कहीं पे और आपको भीतर के रूप में यूज करना हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए बोर्न का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक चीज एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कुछ दिन पहले हमको पेपर में देखने को मिला, वाटर वाटर बोर्न डिजीज, जल से उत्पन्न बीमारी। तो ए यहां पे रॉन्ग था डियर, ए यहां पे रॉन्ग था, बोर्न नहीं, क्या हो जाएगा, ए बोर्न होगा, बी ओ आर एन ई, क्या होगा, बी ओ आर एन ई का यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, आपको ई का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जन्म देने के सेंस में अगर भीतर यूज करोगे तो आर एन, और अन्य सेंस में यूज करोगे, अदर मीनिंग्स में यूज करोगे तो बी ओ आर एन ई। जैसे आप सुने होंगे बैक्टीरिया जनित बीमारी, तो बैक्टीरिया बोर्न डिजीज, वायरस जनित बीमारी, तो वायरस बोर्न डिजीज। ध्यान दीजिएगा, जल से उत्पन्न बीमारी, वाटर बोर्न डिजीजेज का यूज करते हैं। और ये मैंने बता दिया, बर्दाश्त करना या फिर क्या करना, सहना, ठीक है। और एक मीनिंग होता है उठाना या फिर झेलना या सहना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इस घर में चार पिलर मिलकर छत के भार को क्या किए हुए है, सहे हुए है, तो फोर पिलर्स बियर द वेट ऑफ द रूफ। चार पिलर मिलकर इस छत के भार को क्या किए हुए, सहे हुए है, तो वहां पे भी हम लोग बियर यूज करेंगे, सहे हुए है या उसके भार को उठाए हुए है, तो बियर यूज करेंगे। बियर का एक मीनिंग और होता है खर्च उठाना। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे शहर में डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है, मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स डेली बोल रहे हैं कि सर मेला घुमा दीजिए। मैं बोलता हूं कि ठीक है, संडे को घुमा देंगे, संडे को ले चलेंगे। तो बच्चा बोलते हैं सर पैसा आप ही को देना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं हाँ डियर, पैसा मैं ही अर्न कर रहा हूं, तो पैसा तो मैं ही दूंगा, आप बस साथ चलना, ठीक है, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, मैं सारे स्टूडेंट के खर्च को क्या करूंगा, बियर करूंगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं I can bear all the expenses of my students। मैं आपकी खर्च को वहन करूंगा, आपकी खर्च को उठाऊंगा, I will bear your expenses। आपकी जितनी भी खर्च होंगी, आज से आपका खर्च मैं उठाऊंगा। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यहाँ पे एक ही चीज इश्यू बनता है, मुद्दा बनता है कि पैसा कौन देगा, दोस्त जाने में कतराते हैं। तो मैं वहां पे बोल सकता हूँ टेंशन मत लो यार, रेस्टोरेंट में जितना भी खर्च होगा उसको मैं बियर करूंगा। मैं बियर करूंगा मतलब खर्चा मैं उठाऊंगा। तो बियर का इतना सारा मीनिंग होता है डियर। ये तो आपका हो गया बियर। अब बियर का ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। किससे फ्रेजल वर्ब क्या बनेगा, याद रखें, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब किसी वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब जोड़ देते हैं तो उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब। ये आपको पहले भी समझाया जा चुका है तो यहां पे हम ज्यादा समय नहीं देंगे। देखो, पहला फ्रेजल वर्ब है, मैं थोड़ा सा लिख कर रखा हूं, अभी तक जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूं डे वन से लेकर डे सिक्स तक, तो उसमें मैं खुद से लिखा था, हैंड रिटन था, मैं लिखता था, पढ़ाते समय ही मैं लिखता था तो ज्यादा टाइम चला जाता था। लेकिन अब मैं पहले से सेंटेंसेस थोड़ा सा लिख कर रखूंगा तो सेशन लॉन्ग नहीं होगा और आप अच्छा से इंजॉय करोगे। पहला फ्रेजल वर्ब है मेरा भाई बियर अबे। देखिएगा, इसको ऐसे जनरली लोग पढ़ता है बियर, क्या पढ़ता है, बियर, लेकिन बियर प्रोनंसिएशन नहीं होता है, बेयर, क्या होता है, बेयर। हाँ, बोलने में थोड़ा सा आपको उटपटांग लगेगा या खराब लगेगा, आपको बियर ही सही लगेगा, ठीक है, और बियर ही बोलना, लेकिन आदत करना, 5-6 बार 7 बार बोलोगे तो सही बोलने लगोगे। बेयर, बेयर अवे का मतलब होता है जीतना, क्या होता है, जीतना। आप हिंदी जरूर लिखना मेरे भाई, इसका मतलब होता है क्या, जीतना। बेयर अवे का मतलब होता है जीतना। मैं टेस्ट में पहला प्राइज जीत गया, मैं टेस्ट में सेकंड प्राइज जीता, मम्मा मैं टेस्ट में थर्ड प्राइज जीता। और ये किसका मीनिंग होता है, टू रन अवे क्या है, बीथ समथिंग, टू रन अवे बीथ समथिंग, कोई चीज लेकर क्या होना, भाग जाना,
इसका भी हिंदी लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। कोई चीज कोई वस्तु लेकर क्या करना, भाग जाना, ठीक है, लेकर दूर चले जाना। तो दूर का मतलब क्या हो गया, अवे हो गया। थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना, बियर अवे, अवे का मतलब है कि कहीं पे कोई चीज रखा हुआ था, इसको आप लेकर चले गए। तो प्राइज भी आप जीतते हैं तो प्राइज कहीं से उठाकर आप दूर लेकर चले जाते हैं। तो बियर अवे का मतलब होता है जीतना, या फिर कोई चीज लेकर भाग जाना, फरहार हो जाना, वो बियर अवे है। जैसे प्रशांत बोर अवे। अच्छा, मैंने बताया कि ध्यान दीजिएगा, जब फ्रेजल वर्ब हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में ना, तो फ्रेजल वर्ब ध्यान दीजिएगा, जैसे बेयर अवे फ्रेज है, लेकिन इसका पांच फॉर्म तो हो सकता है जैसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, टेक का हम लोग भी टू यूज करते हैं, टूक, भी थर्ड टेकन, भी फोर टेकिंग, और भी फाइव टेक्स। तो उसी प्रकार से अगर टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब आता है तो भी पांच फॉर्म में यूज होगा, टेक आफ्टर, टूक आफ्टर, टेकन आफ्टर, टेकिंग आफ्टर और टेक्स आफ्टर। उसी प्रकार से बेयर अवे एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका भी पांच फॉर्म यूज होगा। एक होगा आपका बेयर अवे, एक होगा बोर अवे, एक होगा आपका बोर्न अवे, एक होगा बियरिंग अवे, और एक होगा बियर्स अवे। पांच फॉर्म यूज होगा डियर। तो अब ये नहीं सोचना कि सर आपने बेयर अवे पढ़ाया था, यहाँ पे बोर अवे आया हुआ है। अरे यार वही चीज है, ये ओरिजिनल फॉर्म में भीवन लिखा हुआ है, और ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि एक इवेंट है, एक इवेंट है, एक क्या है मेरे भाई, घटना है। तो बस कुछ थोड़े ना दूसरा किए हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए हैं, बाकी सब तो वैसे ही है। तो प्रशांत बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, इसका हिंदी हुआ डियर, आप हिंदी चाहोगे तो लिख लेना, प्रशांत ने फर्स्ट प्राइज, प्रशांत फर्स्ट प्राइज, पहला प्रथम पुरस्कार क्या कर लिया, जीत लिया। तो देखोगे फ्रेजल वर्ब उन्होंने क्या यूज करा, बोर अवे, ठीक है। अगर यहाँ पे अवे नहीं यूज करते, प्रशांत बोर द फर्स्ट प्राइज, इसका मतलब है प्रशांत पहला प्राइज को बर्दाश्त किया, जो कि नॉनसेंस था। देखिएगा, बेयर का मतलब था बर्दाश्त करना, सहना, खर्च उठाना, बच्चे को जन्म देना, उत्पन्न करना, लेकिन यहाँ पे बोर अवे है जिसका मतलब हो गया प्राइज को, पुरस्कार को जीतना या कोई चीज लेकर भागना। जैसे चोर ने क्या करा, मेरे घड़ी को लेकर भाग गया। यहाँ पे चोर मेरे घड़ी को जीता नहीं बल्कि मेरे घड़ी को लेकर भाग गया। तो द थीप बोर अवे माई वॉच, और इसी बेयर अवे का सीनो है कैरी ऑफ और मेक ऑफ विथ। ये दोनों का मतलब होता है जीतना या फिर कोई चीज लेकर भाग जाना। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते थे डियर, द थीप मेड ऑफ विथ माई वॉच, या तो बोर अवे माई वॉच, या तो ध्यान दीजिएगा मेड ऑफ विथ माई वॉच, आप दोनों यूज कर सकते हैं, है ना इंपोर्टेंट। ये दोनों का दोनों क्या है मेरे भाई, सिनोनिम्स है। ये दोनों का दोनों ध्यान दीजिएगा क्या है, सिनोनिम्स है। थोड़ा सा इसे नोट कर लेना। ऐसे इससे भी रिलेटेड फ्रेजल वर्ब हम पढ़ाएंगे, कैरी से भी मुझे फ्रेजल वर्ब पढ़ाना है और मेक से भी मुझे फ्रेजल वर्ब पढ़ाना है। जितना भी होगा सारा फ्रेजल वर्ब मैं पढ़ाकर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको कहीं पे भी फ्रेजल वर्ब का आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे आज तक भरोसा किए हैं आगे ही भरोसा कीजिए, इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए आगे चलते हैं छोटू। एक है बेयर अवे, वेयर अवे का बेयर अप, सॉरी वेयर अप का मतलब होता है टू रिमेन हैप्पी इन डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में भी क्या करना, खुश रहना। इसका हिंदी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, खुश रहना, कठिन परिस्थितियों में भी क्या रहना, खुश रहना। कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना कोई हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना उसी को बोलते हैं वेयर अवे। इसी का मतलब होता है मुसीबत को सामना करना। आप बोल सकते हैं मुसीबत का सामना करना, सामना करना, मुसीबत से डर के पीछे नहीं हट जाना बल्कि कितना भी बड़ा मुसीबत आए उसको क्या करना, सामना करना। आप हमेशा बोले होंगे कि लड़की का, लड़का का, लड़की का नौकरी ऐसे ही नहीं लग गया, वो अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या किया है, सामना किया है, बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना किया है। कोविड-19 में बहुत सारे टीचर ने क्या करा, बेयर अप करा, मतलब कठिन परिस्थिति होने के बावजूद खाने के लाला पड़ गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे, बेचारे के पास पैसा नहीं था, अब ट्यूशन बंद हो चुका था, कोचिंग बंद हो चुका था, रेंट घर पर से लग रहा था,
फिर भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे टीचर्स ने क्या करा, वैसे सिचुएशन में बेयर अप करा, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, कठिन परिस्थितियों में भी ध्यान दीजिएगा डटे रहना, क्या रहना, डटे रहना, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, डटे रहना, कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना, या मुसीबत का ध्यान दीजिएगा बहादुरी से सामना करना, ठीक है। आप दोनों मीनिंग लिख लेना भाई, दोनों मीनिंग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा। मुसीबत का सामना करना या कठिन परिस्थितियों में खुश रहना, रिमेन हैप्पी इन डिफिकल्टीज या टू फेस हार्डशिप ब्रेवली जिसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा क्या कह रहा है, ही बोर अप ऑल द प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में जितने भी उसके जीवन में क्या मिला, प्रॉब्लम्स मिला, सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या करा, बहादुरी से सामना करा। तो बेयर अब, एक बेयर अप का ध्यान दीजिएगा, जो पास्ट टेंस हमने यूज करा वो क्या हो गया, बोर अप, ये बिल्कुल सही है। आगे और है, आई कैन बेयर अप ऑल माई इनेमीज ब्रेवली, कैन मॉडल है, कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल के साथ क्या आता है, भी वन आता है। कह रहा है कि मैं, ध्यान दीजिएगा, अपने सारे दुश्मनों का बहादुरी से सामना कर सकता हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं अपने सारे इनेमियों का, सारे दुश्मनों का मैं डट कर क्या करूंगा, सामना करूंगा। तो यहां पे भी आप बेयर अप का यूज करे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मेनी टीचर्स बोर अप इन COVID-19 क्राइसिस, COVID-19 क्राइसिस में भी ध्यान दीजिएगा, COVID-19 पैंडेमिक में भी बहुत सारे टीचर्स क्या करे, डटकर मुसीबत का सामना किए, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहे, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या, बेयर अप। तो बेयर अप का मतलब होता है डियर, सामना करना या मुसीबत का सामना करना या कठिन परिस्थितियों में भी क्या रहना, खुश रहना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रेजल वर्ब की ओर। देखोगे एक है बेयर विथ, बेयर विथ का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, सहन करना या बर्दाश्त करना, ठीक है। इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करना, सहन करना। देखो लिखा हुआ है टू इंड्योर, मतलब क्या करना, सहन करना, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं बर्दाश्त करना, क्या करना, बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। तो सहन करना या बर्दाश्त करना लिख सकते हैं, या फिर धैर्य रखना, धैर्य रखना या होना, धैर्य रखना या होना, इसको आप दर्शाने के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या, बेयर विथ, ठीक है, बेयर विथ। देखोगे अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, बेयर अप का मतलब होता है सामना करना, बर्दाश्त करना नहीं बल्कि सामना करना, और बेयर विथ का मतलब होता है कोई चीजें आपके लिए इरिटेटिंग था और आप उस इरिटेटिंग चीज से बचना चाहते थे, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप एडजस्ट कीजिएगा, आप इंड्योर कीजिएगा, आप उसको सहिएगा, ठीक है, आप उसके साथ धैर्य बनाकर रहिएगा। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में चलाते हैं, उनको पढ़ने मन नहीं लगता है, फिर भी टीचर के डर से वो, ध्यान दीजिएगा, मुझे झेलते हैं, मुझे क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, मेरे साथ पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस रख कर 8 से 9 महीना पढ़ लेते हैं और मजाक मजाक में ही इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो उसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं टू कीप पेशेंस, टू कीप पेशेंस का मतलब होता है धैर्य बनाए रखना या धैर्य होना, टिंड्योर का मतलब होता है सहन करना, और टू टोलीरेट समथिंग अनप्लीजेंट, कोई चीजें आपके अनुसार सही नहीं था, कोई चीजें आपके अनुसार सही नहीं था, मोनोटोनस था, नीरस था, उबाऊ था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसके साथ क्या किए, उसको आप सहन किए, उसको बर्दाश्त किए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेयर विथ। एग्जांपल्स देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, देख लीजिए सारी लड़कियां, ताकि आपको भी एक अच्छी पत्नी बनना है। अ गुड वाइफ वेयर्स द हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, मैं इसको सुधार देता हूं, बेयर्स, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समय इसको सर्किल कर देता हूं, देखिए कह रहा है कि एक अच्छी जो पत्नी होती है वो हस्बैंड को हैबिट्स को क्या करती है, सहती है।
ये नहीं कि तलाक देके चली जाएंगे, छोड़कर चली जाएंगी। हाँ, धीरे धीरे हस्बैंड क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एक अच्छी पत्नी वो है जो अपने 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 हस्बैंड पति के आदतों को क्या करती है, सहती है, बर्दाश्त करती है, इंड्योर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम बोल सकते हैं बेयर्स बीथ, है कि नहीं है, बेयर्स बीथ। ठीक है, सामना नहीं करती है, बल्कि फाइट नहीं करना, लड़ना नहीं है, बल्कि बर्दाश्त करती है, टॉलीरेट करती है। ठीक है, पेशेंस दिखाती है, धीरे धीरे एक दूसरे को लोग समझ जाते हैं। आई कांट बेयर विथ योर क्या है एनी मोर, कह रहा है कि मैं तुमको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सोचा, मुझे लगा कि आने वाले एक दो मंथ में आप ठीक हो जाओगे, मेरे अनुसार आप काम करोगे, ठीक है, मुझे आप समझोगे, लेकिन आपने मुझे आज तक नहीं समझा, तो मैं आपको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपको और ज्यादा ध्यान दीजिएगा सह नहीं सकता। तो यहाँ पे मॉडल है, तो यहाँ पे भी देखिएगा क्या है, बेयर बीथ है। बेयर बीथ का मतलब होता है सहना या क्या करना, बर्दाश्त करना। एक एग्जाम्पल और है, आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बेयर बीथ अस, करा कि मेरा जो सर्वर है नेट का वो क्या है, डाउन है, इसीलिए कृपया करके हमारे साथ क्या कीजिए, पेशेंस दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा, पेशेंस दिखाना मतलब समय को थोड़ा सा वेट करना, किसी का वेट करना, या पेशेंस दिखाना, धैर्य रखना, उसके लिए बोलते हैं क्या, बेयर विथ। आप मान लीजिए साइबर कैफे में चले गए, आप फॉर्म फिल करवा रहे थे, आपको बोला गया कि 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट्स में हो जाएगा, आप एक घंटा बैठ गए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप गुस्सा होते हैं। तो बेचारा क्या बोलता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, सर्वर स्लो है, सर्वर डाउन है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लीज प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा मेरे साथ भाई इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तुम भी इंतजार कर लो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ भाई। अब बहुत सारा बच्चा क्लास में आता है, उनको लगता है कि एक महीना डेढ़ महीना में अंग्रेजी बहुत बढ़िया हो जाएगा, और एक से डेढ़ महीना पढ़ने के बाद हम सीजीएल क्रैक कर लेंगे। तो मैं उसको समझाता हूं, अरे भाई अभी तो केवल एक महीना हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ ना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, मेरे साथ टाइम और इफर्ट इन्वेस्ट करो, कुछ दिन के बाद आपका भी अंग्रेजी, आपका भी इंग्लिश मेरे जैसा हो जाएगा। तो उसको भी हम बोल सकते हैं, प्लीज बेयर विथ अस, प्लीज बेयर विथ मी, मेरे साथ क्या दिखाओ, पेशेंस दिखाओ। तो पेशेंस दिखाना, धैर्य रखना, धैर्य होना या सहन करना या बर्दाश्त करना, क्या है, बेयर बीथ है। और ध्यान दीजिएगा मुसीबत का सामना करना, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई आपके पास आ गया और आप डरे नहीं, बल्कि उसका सामना किए, डट कर उसके साथ लड़ाई किए, डट कर मुकाबला किए और उस प्रॉब्लम को हार मनवा दिए, तो उसको बोलते हैं बेयर अप, बेयर अप। और किसी इरिटेटिंग चीज से आपको इरिटेशन हो रहा था, फिर भी आपने उसके साथ एडजस्ट करा, आप उसको सहन करा, आप उसको बर्दाश्त करा, या आप पेशेंस दिखाएं, तो उसको बोलते हैं क्या, बेयर विथ बोलते हैं, है ना, बेयर विथ बोलते हैं। समझ में आता है कि नहीं, बेयर अप और बेयर विथ बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलो, एक है ध्यान दीजिएगा बेयर डाउन। बेयर डाउन का मतलब होता है ध्यान दीजिएगा, टू क्रश, टू सप्रेस, या बोल सकते हैं क्या, डिफीट। इसका मतलब होता है कुचल देना, किसी को कुचलना या फिर कुचल देना बोल सकते हैं, ठीक है। या सप्रेस का मतलब होता है दबाना, किसी को दबा देना, किसी को हरा देना, हराना, हराना, या किसी को नीचे गिरा देना। आप बोल सकते हैं टू क्रश या टू सप्रेस बाय फोर्स, किसी को बल से दबा देना, कुचल देना, मसल देना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बेयर डाउन। और इसका एक मीनिंग और होता है, हरा देना या फिर किसी को अपमान करना। इतने सारे मीनिंग होता है बेयर डाउन। डाउन का मतलब थोड़ा सा रिलेट करके याद करना, नीचे कर देना, और नीचे करेगा इसका मतलब है कुचल दिया, मसल दिया, और किसी को मार के नीचे गिरा दिया, मतलब क्या कर दिया, बेयर डाउन कर दिया, मार के गिरा दिया, इसका मतलब क्या है, हरा दिया। आप रिलेट करके याद कर सकते हैं मेरे भाई, कुचल देना, दबाना या फिर क्या करना, हराना। एग्जाम्पल करने का मैं कोशिश करता हूं, बस बोर डाउन हिज फ्रेंड, बस ने उसके दोस्त को क्या करा, कुचल डाला। ध्यान दीजिएगा, बस उसके फ्रेंड को क्या करा, कुचल डाला, ठीक है, कुचल डाला। तो यहां पे बोर डाउन होगा, ही बोर डाउन ऑल हिज इनिमीज, वह अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया, वह अपने सारे दुश्मनों को लेसन सिखा दिया। तो यहां पे भी क्या है, बोर डाउन है। तो बोर डाउन क्या है, बेयर डाउन का V2 फॉर्म है, बोर डाउन। और बोर डाउन का मतलब होता है कुचल देना या दबाना या फिर क्या कर देना, हरा देना, ठीक है कि नहीं। आगे चलो, नेक्स्ट, बेयर डाउन ऑन का मतलब होता है किसी की ओर तेजी से बढ़ना,
गुस्सा से एंग्री वे में, फ्राइटनिंग वे में किसी की ओर तेजी से बढ़ना, टू मूव क्विकली टुवर्ड समबडी समवन, ठीक है, इन एंग्री वे या इन फ्राइटनिंग वे, गुस्सा से किसी की ओर ध्यान दीजिएगा बढ़ना, तेजी से बढ़ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बेयर डाउन ऑन, याद कर रिलेट करके याद करना, बेयर डाउन का मतलब होता है कुचल देना, मसल देना, और अगर बेयर डाउन ऑन के डाउन के साथ ऑन आ जाएगा तो किसी की ओर तेजी से बढ़ना, जैसे द टीचर इज बेयरिंग डाउन अस फास्ट, कह रहा है शिक्षक हमारे ओर तेजी से आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ मिस्टेक करा, आपने कुछ गलतियां कर दिया, आपने कुछ बदमाशी कर दिया और बच्चे ने जाकर प्रिंसिपल से या टीचर से शिकायत कर दी, अब टीचर हाथ में डंडा लेकर कुछ बोलते हुए आपकी ओर तेजी से आ रहे हैं या हम लोग की ओर तेजी से आ रहे हैं, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं द टीचर इज बेयरिंग डाउन ऑन अस। ए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वी फॉर फॉर्म, क्यों वी फॉर फॉर्म, क्योंकि गुरु जी पढ़ाए होंगे ईजय मार के बाद जो आता है फॉर्म क्या होता है, वी फॉर, बियरिंग डाउन ऑन एस फास्ट, फास्ट क्या है एडवर्ब, जिसका मतलब हुआ तेजी से। एक है द बुल इज बियरिंग डाउन ऑन हिम, जो बुल है एक बहुत बड़ा जानवर होता है, आप जानते होंगे ऑक्स टाइप का, तो ध्यान दीजिएगा बुल जो है, साढ़न जो है, उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, लगता है उसे जान मार देगा क्या, तो आप उसे अलर्ट करते होंगे, उसे आप कॉशियस करते होंगे, तो बियर डाउन ऑन यहां भी है, इसका मतलब है बुल जो है उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से क्या कर रहा, बढ़ रहा है। आगे देखो, नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, मैंने इसका हिंदी लिखा कि नहीं, इसका हिंदी लिख लेना, किसी की ओर तेजी से बढ़ना, किसी की ओर तेजी से बढ़ना, किसी की ओर तेजी से क्या करना, बढ़ना, है कि नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रेजल वर्ब है हमारा बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है टू वेरीफाई और टू कंफर्म, कोई चीज को वेरीफाई करना या फिर कंफर्म करना, बोले तो साबित करना या फिर प्रमाणित करना, साबित करना या फिर हम बोल सकते हैं क्या, प्रमाणित करना, कोई चीज को क्या करना, साबित करना, या फिर आप लिख सकते हैं पुष्टि करना, क्या करना मेरे भाई, पुष्टि करना, ठीक है, कोई भी चीज का सच्चाई छुपा हुआ था, दबा हुआ था, लोग नहीं उसके बारे में जानते थे, और कोई चीज ने आया और उसके सच्चाई को, उसके झूठ को पब्लिकली सबको बता दिया, ध्यान दीजिएगा साबित कर दिया, पुष्टि कर दिया कि सही है कि गलत है, तो उसी के लिए बोलते हैं क्या, बेयर आउट। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, रिलेट करके ना, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, तो सच्चाई को यदि बाहर कर दिया तो प्रेजल वर्ब क्या हो गया, बेयर आउट। तो बेयर आउट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, टू वेरीफाई और कंफर्म समथिंग, या फिर बोल सकते हैं तो ट्रूथ, सच्चाई को क्या करना, कंफर्म कर देना, या फिर कोई भी चीज में डाउट बना हुआ था, संदेह बना हुआ था कि ऐसा है कि नहीं है, तो उसी को क्या करना, कंफर्म कर देना, साबित करना, या फिर क्या करना मेरे भाई, पुष्टि करना। देखो एग्जाम्पल है, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोर आउट द काउज ऑफ डेथ। अब किसी का मृत्यु होता है, किसी की हत्या होती है, कोई बाबू मर जाता है, तो हमेशा से डाउट बना रहता है उसके पेरेंट्स को, विलेजर्स को, या उसके रिलेटिव्स को कि आखिरकार मृत्यु कैसे हुआ, अभी मरने का एज नहीं था तो मृत्यु हुआ कैसे। तो ध्यान दीजिएगा उन लोग ने क्या करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या करते हैं, वेट करते हैं, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या करता है, डेथ के वजह को, कि मृत्यु किस वजह से हुआ, डेथ के मृत्यु को क्या करता है, मृत्यु के वजह को क्या करता है, साबित कर देता है, सच्चाई को बाहर निकल कर रख देता है, किसका मृत्यु, ध्यान दीजिएगा मतलब किस कारण से हुआ है, क्या सही में एक्सीडेंट हुआ है, कोई चाकू से मारा है, कोई गोली से मारा है, कोई जहर देकर मारा है, या फिर कोई किसी भी प्रकार से मारा है, तो ध्यान दीजिएगा बेयर आउट का यहाँ पे भी टू हो गया क्या, बोर आउट। बोर आउट का मतलब होता है साबित करना या पुष्टि करना या सच्चाई सामने लाना, जो दबा हुआ था, छुपा हुआ था। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बेयर आउट का मतलब क्या होता है, सच्चाई या सत्य को क्या करना, पुष्टि करना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रेजल वर्ब है हमारा बाबू बेयर ऑन। बेयर ऑन का मतलब होता है टू अफेक्ट, क्या होता है, टू अफेक्ट। टू अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना, क्या डालना, असर डालना। अब कोई चीज पे असर डालेगा तो ऑन आएगा, ऑन का मतलब पर होता है, रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है, असर डालना या प्रभावित करना, या क्या करना मेरे भाई, प्रभावित करना, है कि नहीं।
असर डालना या फिर क्या करना, प्रभावित करना। टू बी रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक होना, प्रासंगिक होना, रिलेवेंट होना, अरे अप्रोप्रिएट होना सुने होंगे। और टू बी रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित होना, क्या होना, संबंधित होना, है ना। तो इसका तीन मीनिंग आप याद रखना छोटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको क्या लिखा हूं, बेयर ऑन, इसके साथ आप अपॉन भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। बेयर ऑन या फिर बेयर अपॉन, दोनों का मीनिंग आपका एक ही है, या तो असर डालना या प्रभावित करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टू अफेक्ट। और एक मीनिंग होता है टू बी रिलेवेंट टू, मतलब प्रासंगिक होना, किसी के लिए अप्रोप्रिएट होना, ठीक है। और एक है टू बी रिलेटेड टू, मतलब संबंधित होना, कि हाँ ये चीजें इससे संबंधित है, तो आप याद कर लेना। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, दीज आर द मैटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है तो हम लोग द लगा देते हैं। दीज आर द मैटर्स दैट बेयर ऑन वेलफेयर ऑफ द क्या है, कम्युनिटी। यही सब चीजें हैं जो क्या करेगा, पूरे समुदाय के कल्याण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, या यही सब चीजें हैं जो ध्यान दीजिएगा कम्युनिटी के वेलफेयर से क्या है, संबंधित है। तो यहाँ पे बेयर ऑन का मतलब हो गया असर डालना या प्रभावित करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दैट किसके लिए है, मैटर्स के लिए, पुल्लल है तो भार भी क्या होगा, पुल्लल होगा, भी बन सही है। पर्सनल फीलिंग्स डिडंट बियर ऑन आवर डिसीजन, अगर मान लीजिए हम लोग मिलकर, दस लोग मिलकर कुछ डिसीजन लिए कि हम लोग को ऐसे करना चाहिए, हो सकता है डिसीजन किसी के अगेंस्ट में हो, हमारे या हम लोग के डिसीजन से कोई क्या हो, ना खुश हो, ठीक है, कोई हैप्पी नहीं हो, किसी को ऑब्जेक्शन हो। क्यों ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि उसका फीलिंग पर्सनल मैटर हो, पर्सनल फीलिंग्स हो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी का भी पर्सनल फीलिंग्स जो है ना, हम लोग के डिसीजन को, हम लोग के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता, हम लोग अपना निर्णय बदलने वाले नहीं है। हम सभी लोग का पर्सनल फीलिंग्स देखने लगेंगे तो हम लोग काम कर लिए। अब कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करता है तो हो सकता है कि दूसरे पार्टी वाले लोग को उसे दिक्कत हो जाए, ठीक है, या मान लीजिए गांव में एक दो पर्सन को आपको दिक्कत हो जाए, या इंडिविजुअल पर्सन को दिक्कत हो जाए, तो इंडिविजुअल पर्सन का जो फीलिंग है वो फीलिंग सरकार के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगा, सरकार के डिसीजन को प्रभावित नहीं करेगा। दैट मींस पर्सनल फीलिंग्स डिडंट बेयर ऑन आवर डिसीजन, मतलब हम लोग के डिसीजन को, हम लोग के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। तो यहां पे भी क्या यूज किया गया है, बेयर ऑन, ये भी बिल्कुल आपका सही है। देखिएगा लास्ट है आज का फ्रेजल वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछ लेता है। बियर इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना, इसी का सिनोनिम्स आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं कीप इन माइंड, क्या होता है, कीप इन माइंड, ठीक है, कीप इन माइंड, बियर इन माइंड या ध्यान दीजिएगा कीप इन माइंड, ठीक है, मतलब कोई चीज को ध्यान में रखना। आप बोल सकते हैं डोंट फॉरगेट दिस, या प्लीज रिमेंबर, मतलब कृपा करके कोई चीज को याद रखिए, या फिर उसको नहीं भूलिए, दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखना कि डॉक्यूमेंट आपके पास से अलग नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पे छोड़ ना दीजिए, ठीक है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि आप मोबाइल को हाथ में लेकर खिड़की के पास ना चलाएं, नहीं तो कोई खिड़की से लेकर मोबाइल आपका भाग जाएगा। तो इसको बात को ध्यान में रखिए, आप जब वहां जा रहे हैं तो मेरा नाम ध्यान में रखिएगा, मेरा नाम वहां पे लीजिएगा, मेरा रेफरेंस दीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बोल सकते हैं कीप इन माइंड या बेयर इन माइंड माय नेम, मेरे नाम को ध्यान में रखना, बेयर इन माइंड माय मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर को ध्यान में रखना। तो कोई भी चीज को ध्यान में रखना उसके लिए यूज करते हैं क्या, बेयर इन माइंड, बेयर इन माइंड का हम लोग यूज करते हैं, बेयर इन माइंड माय नेम, मेरे नाम को ध्यान में रखना। आगे बोल सकते हैं बेयर इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखना कि तुम यूनिक नहीं हो, जो तुम इतना इतरा रहे हो, तुम इतना ध्यान दीजिएगा भाव खा रहे हो ना, ये बात तुम ध्यान में रखना, कहीं भूलना नहीं, फिर कहना कि आपने अच्छा कहा था, आप ही केवल यूनिक नहीं हो, आप यूनिक नहीं हो, मुझे आज तुम इग्नोर किए हो, रिजेक्ट किए हो, मेरे से बेहतर भी आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेयर इन माइंड दैट यू आर नॉट यूनिक, इस बात को ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा कर रखना, बेयर इन माइंड, कीप इन माइंड यू आर नॉट यूनिक, ठीक है। आगे चलो, एक हमारा फ्रेज यूज होता है
बियर द बंट ऑफ, अरे भाई एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देखिएगा, सीरियस मत होइएगा कि सर गुस्सा हो रहा है पढ़ाते समय, एग्जाम्पल था है कि नहीं है। आगे देखो, बियर द बंट ऑफ, बियर द बंट ऑफ का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी मैंने लिख रखा है, ध्यान में रखना, इसका मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी चीज का खामियाजा भुगतना, खामियाजा भुगतना या परिणाम भुगतना, का खामियाजा भुगतना, उसी का हम लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेजल भाव या बोलिए फ्रेज यूज करते हैं, क्या, बियर द बंट ऑफ, टू सफर मोस्ट, सबसे ज्यादा सफर करना, झेलना, जैसे कि किसी प्रॉब्लम के रिजल्ट को, या ध्यान दीजिएगा डिफिकल्ट सिचुएशन के रिजल्ट को, या किसी प्रॉब्लम के रिजल्ट को क्या करना, झेलना, का खामियाजा भुगतना, उसी को बोलते हैं बियर द बंट ऑफ। जैसे बहुत सारे युवा लोग जो हैं बाबू बेरोजगार का, बेरोजगार होने का, बेरोजगार होने का खामियाजा भुगत रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बियरिंग द बंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आर आया हुआ है और आर के बाद भर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, भर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, बोले तो भर प्लस आई एन जी, भर प्लस आई एन जी है कि नहीं है। तो बियर द बंट ऑफ का मतलब होता है का खामियाजा भुगतना। तो ये सारे फ्रेजल भर्ब थे आपका किसे, बियर से, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसको रिवाइज कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। बेयर अप का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बेयर अप का मतलब होता है मुसीबत का सामना करना, डटे रहना, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना। आगे आपका लिखा गया था बेयर विथ, बेयर विथ का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बर्दाश्त करना, सहना, या फिर धैर्य रखना या धैर्य होना, ये था बेयर विथ, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। बेयर डाउन का मतलब होता है कुचल देना, मसल देना, हरा देना, अपमान करना, नीचा दिखाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके तुरंत बाद पढ़े थे बेयर डाउन ऑन, बेयर डाउन ऑन का मतलब होता है किसी की ओर तेजी से बढ़ना, टू मूव क्विकली टुवर्ड समबडी। इसके बाद पढ़ा गया है बेयर आउट, आउट का मतलब बाहर आ गया, मतलब सच्चाई सामने आना, साबित करना, ठीक है, प्रमाणित करना या पुष्टि करना, सच्चाई को पुष्टि करना। आगे था क्या, बेयर ऑन, प्रभावित करेगा, तो किसी पर प्रभावित करेगा, ऑन होता है इन्फ्लुएंस ऑन, फोकस ऑन, उसी प्रकार से इसको रिलेट कर लेना। बेयर ऑन का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, टू अफेक्ट या टू बी रिलेवेंट, या फिर क्या होता है टू बी रिलेटेड टू, इसको भी देख लेना। आगे है क्या, बेयर इन माइंड का सिनोनिम्स मैंने क्या करवाया, कीप इन माइंड, मतलब कोई चीज को ध्यान में रखना, डोंट फॉरगेट समथिंग। उसके बाद पढ़ाया गया बियर द बंट ऑफ का मतलब हो गया टू सफर मोस्ट, मतलब बोल सकते हैं का खामियाजा भुगतना। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक कमेंट मुझे बहुत सुझाव दे सकता है और उस पर मैं एनालिसिस करके वीडियो में कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा भाई तो जरूर दबा के इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो इस इंडिया में सारे स्टेट सारे सिटी में जाना चाहिए, आप इस भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट्स लाने का कोशिश करूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा एक, और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।